सीतापुर के युवा गंगा घाट बनारस से जल लेकर 360 किलोमीटर मेन पार्ट के चोर की पानी शिव मंदिर में जल अभिषेक करेंगे। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित युवा राम कुमार टोपो की अध्यक्षता में सीतापुर के 50 युवाओं का समूह बनारस से गंगा जल उठाकर 365 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर सरगुजा के मेन पार्ट के स्थित चुरकी पानी शिव मंदिर में जल अभिषेक करेगा। इस बात को लेकर आज अग्रसेन भवन सीतापुर में मीटिंग का आयोजन भी किया गया था। युवाओं का यह समूह 16 तारीख को बस के द्वारा सुबह रवाना होगा और 17 जुलाई को गंगा घाट से गंगा जल का उठाव करेगा और 26 जुलाई को चुरकी पानी में इनके द्वारा जल अभिषेक किया जाएगा और यह यात्रा तकरीबन 10 दिन की है। इस यात्रा में 19 पड़ाव हैं जहाँ पर पैदल यात्री विश्राम करेंगे। इनके रुकने खाने की व्यवस्था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा की जाएगी। सावन के महीने में इन महायात्रा में जहाँ पर 360 को लेकर के सीतापुर के युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सर अपना परिचय बता दीजिएगा। जय हिंद, प्रणाम। मैं हूँ राम कुमार टोपो जो कि कोटशाल का निवासी और अभी मुझे पिछले 15 अगस्त में राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर सावन का महीना चालू हो गया है और आप लोगों के द्वारा कुछ कांवड़ यात्रा का प्रोग्राम बनाया गया है, तो सर इसके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। जी, ये महायात्रा 360 इसका नाम रखा गया है जो कि वाराणसी गंगा से कांवड़ लेकर ये 50 श्रद्धालुओं द्वारा जो कि सीतापुर विधानसभा के ही हैं सारे, कुल 10 दिन में यह पैदल यात्रा करके हम 26 जुलाई के दिन यहाँ सावन शिवरात्रि के दिन ही हम जलाभिषेक करेंगे शिव मंदिर चुरकी पानी में। तो मतलब आप लोग यहाँ से जाएंगे बनारस, वहाँ से गंगा जल उठाकर आप लोग जो है सरगुजा की चुरकी पानी में उसका अभिषेक करेंगे। जी जी। ये कितने दिन की यात्रा है? ये 17 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई को समाप्त होंगे। कुल 10 दिन यात्री इसमें कंटिन्यू चलेंगे। सर आप लोगों के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तकरीबन इसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं? इसमें शामिल होने की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि पहला यात्रा है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 50 ही श्रद्धालुओं को विधानसभा की ओर से नेतृत्वकर्ता की ओर के जैसा ले जाया जाए, तो इसमें केवल 50 ही लोग शामिल हो रहे हैं, बाकी के जितने विधानसभा के लोग हैं वो सभी उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। जी, तो इसकी जो व्यवस्था हो रही है किनके द्वारा हो रही है? इसका देखिए, जो यात्रा का संचालन मैं खुद कर रहा हूँ जो कि राम कुमार टोपो, बाकी जगह जगह पे कुल 19 जगह पड़ाव हो रहे हैं हमारे, जिसमें अलग अलग श्रद्धालुओं द्वारा रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारे दे रहे हैं। यहाँ से आप लोग किस साधन से बनारस जा रहे हैं? कल सुबह हम लोग यहाँ से 6 बजे रवाना होंगे, जो कि एक बस है जो 10 दिन हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे और एक कार है। जी,